जब मुंडन करा के घर से बाहर निकलते हो तो कई तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं। फिर आप सोचते हो कि घर की खेती है दोबारा वापस आ जाएगी, यही सोचते हो ना। तो चलो बताते हैं आपको कि आपके घर की खेती से कितने लोग मालामाल हो रहे हैं, यानी आपके कटे हुए बाल का क्या कीमत, क्या आप जानते हैं। आपके कटे हुए बाल से अरबों का कारोबार होता है। मंदिर में मुंडन कराते समय और नाई से बाल कटाते समय आपको एहसास भी नहीं होता होगा कि आपका कटा हुआ बाल करोड़ों अरबों कारोबार का हिस्सा है, जिसमें 100 या 200 नहीं बल्कि सालाना 2500 करोड़ की कमाई है। यह भारत में बालों के कारोबार। बाल के बाजार में बालों की क्वालिटी और बालों की साइज का बहुत अहमियत रखता है। बाल जितने अच्छे और लंबे हो उसकी कीमत उतना ही ज्यादा होती है। अच्छे बालों का उपयोग हेयर एक्सटेंशन ट्रीटमेंट और एम्यूनो एसिड बनाने के काम में आता है। बालों से निकला एम्यूनो एसिड फर्टिलाइजर्स लेकर हेयर स्प्रे के काम में होता है। एम्यूनो एसिड का बोतल बाजार में 300 से लेकर 1000 तक मिलता है, यानी आपका बाल दोबारा दूसरे रूप में आपको ही बेचा जाता है। बालों के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड वर्जिन हेयर का होता है, यानी वैसे बाल जिसका कोई रंग नहीं लगाई हो या कोई केमिकल यूज नहीं किया गया हो। और ऐसा बाल भारत में आसानी से बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग आज भी बालों में घरेलू तेल का उपयोग करते हैं। इसलिए भारतीयों के बालों का अमेरिका, यूरोप, चीन में एक्सपोर्ट कर करोड़ों का व्यवसाय किया जाता है। हालांकि अपने देश में बालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मंदिर होता है, क्योंकि सैलून से मिलने वाली बालों की क्वालिटी उतना अच्छी नहीं हो पाती है। मंदिर में हर तरह का बाल मिल जाता है। मंदिरों में 1 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के महिला पुरुष का मुंडन होता है। साउथ के कई मंदिरों में महिलाओं का भी मुंडन होता है, जिसमें त्रिफला जैसे बड़े बड़े मंदिर भी शामिल है, जिसमें महिला तथा पुरुषों का मुंडन होता है और फिर उसके बालों की बोली लगाई जाती है। बालाजी में सालाना लगभग 150 से लेकर 200 करोड़ तक की बोली लगाई जाती है। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट अपने सालाना इनकम का लगभग 10 से 12% बालों से इनकम जनरेट कर, केवल तिरुपति या तिरुमाला ही नहीं बल्कि भारत के हर तीर्थस्थल की कंपनियां बोली लगाती है। बालों का मुंडन के बाद फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां केमिकल से अच्छे से धोया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद उसको पैकिंग कर विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। विदेशों में भारतीय बाल का अच्छा कीमत मिलता है, लगभग 27,000 से लेके 75,000 प्रति किलो के रेट में बिकता है। हेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारतीय बालों का कीमत चाइना से बेहतर, खास करके साउथ के महिलाओं का बाल विदेशी बाजारों में बहुत अधिक मांग है। आज का सफर हमारे साथ यही था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।